नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सोनम कपूर की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। रविवार को एक बेहद निजी समारोह में उनकी मेहंदी की रस्म निभाई गई। इस फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने सोनम कपूर को मेहंदी लगाई। संयोग देखिए, जिस मेहंदी क्वीन ने उनकी चाची श्रीदेवी के हाथों में मेहंदी लगाई थी, उन्हीं ने सोनम कपूर के हाथ भी रचाए। सोनम के अलावा उनकी सभी बहनों को मेहंदी इसी मेहंदी क्वीन ने लगाई। इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं इस मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट के बारे में, जिनके कस्टमर्स में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। 17 साल की उम्र में मुंबई की इस लड़की ने हॉबी को अपना करियर बना लिया। काफी मेहनत के बाद वीना ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोची। वीना नागदा को वर्ल्ड में सबसे तेज मेहंदी लगाने का खिताब मिला हुआ है। वीना की पहली सेलिब्रिटी कस्टमर पूनम ढिल्लो थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर किसी की शादी है तो मेहंदी रस्म में वीना नागदा के अलावा किसी और को हायर नहीं किया जाता है। बॉलीवुड से वीना का पुराना नाता है। कई बॉलीवुड फिल्मों में भी वीना का काम देखने को मिला था। बता दें कि वीना नागदा बॉलीवुड सेलेब्स के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जैन परिवार से ताल्लुक रखने वाली वीना ऋतिक रोशन से लेकर ईशा गुप्ता, शिल्पा शेट्टी, नेहा धूपिया जैसे बॉलीवुड सेलेब्स और क्रिकेटर्स की शादी में मेहंदी लगा चुकी हैं। वीना के इंस्टाग्राम पेज पर कई सेलेब्स के साथ उनकी तस्वीरें दिखाई देती हैं। करवा चौथ फंक्शन से लेकर शादी तक में वीना की डिमांड रहती है। अपने एक इंटरव्यू में वीना ने कहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी की शुरुआत ऋतिक रोशन की शादी से हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।